एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर टू, क्लास टेंथ का चैप्टर टू है मैथ्स में बहुपद पॉलिनोमियल, जिसके अंदर हम अभी इसका बेसिक पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले पॉलिनोमियल से पहले आपको पता होना चाहिए चर क्या होता है। चर को अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं। ये होते हैं अपने एक्स वाई जेड टाइप के, ए बी सी डी में। कैसे समझेंगे? चर वो राशि है जो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करती है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन निर्भर करती है। वो क्या होता है? चर होता है, वेरिएबल। और अचर क्या होता है? कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ये होते हैं अपने काउंटिंग नंबर 1, 2, 3 टाइप का, या क्वेश्चन में दे दे तो कांस्टेंट। अगर वेरिएबल को भी कांस्टेंट माना गया तो वो फिक्स है। जैसे कैसे अंतर समझाता हूँ मैं। मैंने लिखा 2x = 10, एक लिखा 2x = 14। अब इसमें वेरिएबल कौन सा है? एक्स। ऐसे याद नहीं रखना है कि अल्फ़ाबेट है तो वेरिएबल है। कैसे पता चल रहा है एक्स वेरिएबल है? क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए एक्स मेरे को क्या लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक्स मेरे को क्या लेना पड़ेगा? 7। कैसे? 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। इसका मतलब ये क्वेश्चन अलग अलग है ना, और अलग अलग क्वेश्चन है तो एक्स की वैल्यू भी क्या है? अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसको आप क्या पढ़ रहे हो? 2। इसके लिए भी यहाँ पे क्या है? 2। ये 10, ये 14। अब जो ये 2 लिखा हुआ है काउंटिंग का, इसको किसी भी क्वेश्चन में देखो, हमेशा हम क्या पढ़ेंगे? 2। और इसकी जो वैल्यू रहेगी वो भी क्या रहेगी? 2 ही रहेगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गए? कांस्टेंट हो गई। इसके बाद आते हैं हम समीकरण पर। इस पर आते हैं समीकरण पर। देखो समीकरण क्या होती है? कभी भी समीकरण या इक्वेशन क्या होगी, उसके अंदर तीन चीजें मिलेगी। एक होगी लेफ्ट साइड LHS, एक इक्वल्स टू का साइन होगा, और एक क्या होगा? RHS। इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, राइट हैंड साइड होना चाहिए, और इक्वल्स टू का साइन। अब ये मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? वेरिएबल। अगर चरों की संख्या बदल रही है, समीकरण में अगर चरों की संख्या के आधार पे देखें, एक चर है तो हो जाएगा एक कल चर की इक्वेशन, दो चर दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा? द्विचर। और अगर चरों की घात की बात करें, उसके आधार पे देखें, जैसे ये मैंने लिखा x + y = 2, यहाँ पे कितने चर हैं? 2, तो ये द्विचर की इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे x की पावर भी एक है और y की पावर भी एक है, अधिकतम घात कितनी है? 1। तो जो ये इक्वेशन होगी इसको क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण, या लीनियर इक्वेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। अगर मैं लिखूं x² + 2x = 10, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। x की पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो 2 आ रही है तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखूं, x³ = 9, इसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है? 3। तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात समीकरण, या क्यूबिक इक्वेशन। बात समझ में आया? अगर चरों की संख्या बढ़ रही है तो एक कलचर, द्विचर, त्रिचर वाली इक्वेशन बनेगी। अगर पावर बढ़ रही है तो, अगर एक एक पावर है तो रैखिक, दो पावर है तो द्विघात समीकरण, तीन पावर है तो त्रिघात समीकरण। और बहुपद क्या हो गए? पद की बात करें, ये मैं लिख रहा हूँ 10x = 9। कितने पद हैं? सिर्फ ये 10x की बात करो, 10x में सिर्फ कितना पद है? एक। तो ये एक पद की हो गई, 10x + y = 10। इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3। तो ये 3 पद की इक्वेशन हो गई। तो 2 से ज़्यादा बहुपद बहुपद होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इसको बहुपद की इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं इस एक्सरसाइज में वो क्या है। हाँ, एक होता है शून्यांक। किसी भी बहुपद का शून्यांक क्या होता है? बहुपद का शून्यांक, बहुपद के शून्यांक का मतलब है कोई भी इक्वेशन हमें दे रखी है, वहां पे जो वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू, एक्स का वह मान जिसको रखने पर वो समीकरण किसमें कन्वर्ट हो जाए? 0 में। वेरिएबल की चर राशि का वो मान जिसको रखने पर समीकरण किसमें चली जाए? 0 में। तो वो बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यांक कहलाता है। जैसे मैंने लिखा 2x - 2 = 0, तो यहाँ मेरे को पता है x = क्या लेना पड़ेगा? 1। जैसे ही 1 रखोगे क्या हो जाएगा?
ये पूरा समीकरण किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में। तो यही क्या है, बहुपद का शून्यांक। जो हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है द्विघात की समीकरण, हमें क्या पढ़ना है, द्विघात की समीकरण। इसके अलावा अगर ग्राफ की बात करें, अगर ग्राफ में बात करें तो ग्राफ में अपन ये देखेंगे कितने शून्यांक हो सकते हैं। तो ये शून्यांक के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स के मान निकाल रहे हैं ना। ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ और ये हो गया तीसरा ग्राफ। तो इसमें आपसे पूछा जाए कि बहुपद के कितने शून्यांक हैं। तो फर्स्ट वाले में एक्स को, एक्स अक्ष को देखना है बस, एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा ग्राफ वही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे, शून्यांकों की संख्या। एक बार भी नहीं कट रहा है तो जीरो शून्यांक होंगे इसमें, इसमें दो बार काट रहा है तो शून्यांकों की संख्या दो, इसमें तीन बार काट रहा है तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, तीन। ठीक है, आप देखते हैं शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध, शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध। सबसे पहले कोई भी द्विघात समीकरण वो किस टाइप की होगी, कोई भी द्विघात समीकरण होती है उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, द्विघात समीकरण। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो है ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, एक्स का गुणांक क्या है बी, और जो कांस्टेंट टर्म होता है अचर पद वो क्या होता है हमारा सी। ध्यान से याद रखना है, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में आएगा वो ए होगा, जो एक्स के गुणा में आएगा वो क्या होगा बी, और जो अचर बच गया वो क्या होगा सी। कितने अधिकतम, जितनी पावर की, जितनी समीकरण की घात है वो उतने क्या होते हैं उसके शून्यांक। तो इसके कितने शून्यांक बनेंगे, दो, क्योंकि द्विघात समीकरण में पावर कितनी है दो, तो शून्यांकों की संख्या भी कितनी होगी दो। एक शून्यांक मैं मान लेता हूँ, एक शून्यांक हो गया हमारा अल्फा और दूसरा शून्यांक हो गया बीटा, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच एक रिलेशन बनता है, उसको हमें याद रखना है। क्या होता है कि गुणांकों, ये जो गुणांक लिए हैं, सबसे पहले गुणांकों का योग, गुणांकों का योग। गुणांक क्या क्या है हमारे पास, एक तो है ए, एक क्या है बी, सॉरी गुणांकों का नहीं, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योग क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपोन ए, जहाँ बी क्या है एक्स का गुणांक, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही जो शून्यांकों का गुणनफल होगा, जो शून्यांकों का गुणनफल होगा वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपोन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा सी अपोन ए। अल्फा शून्यांक, बीटा शून्यांक है, सी अचर पद है और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर यदि अल्फा व बीटा दिया गया है तब जो बहुपद बनेगा, यदि द्विघात समीकरण बनेगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में जीरो, ये क्या होगा उसका बहुपद। इस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वर्ड, इसी में से हमें क्या मिलेगा, बोर्ड के अंदर एग्जाम के अंदर मिल जाएगा क्वेश्चन, या तो हमें अल्फा बीटा निकलवाएगा या रिलेशन निकलवाएगा, या अल्फा बीटा गिवन है तो द्विघात समीकरण या बहुपद समीकरण पूछेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्वेश्चन।